तो मतलब फिर 50 में बच्चे दिए। हाँ चलें जी, ये एक और ब्यूटी है। उसामा भाई ये किसकी बची है? 50 कौन सी वाली? वो एज कितनी होगी इसकी? एज इसकी है तकरीबन 19-20 महीने होगी। ठीक ठीक ठीक। तो इसने कोई ब्रीड स्ट्रीट की है? एक बार की है। ठीक है, किस कुत्ते से? फाल्कन वाफ वाला। इंशाल्लाह किसी दिन उसका भी ब्लॉग करेंगे, क्यों साम भाई? तो सही सही सही। तो साम भाई अब इसकी क्या डाइट है आपने रखी हुई है? अब तो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। फिलहाल इसकी एक आधी रोटी है। क्यों कमज़ोर की हुई है? ब्रीड है। अच्छा, ब्रीड की वजह से? बिल्कुल हाँ जी, वो ये है ना कि उससे फिर एट पे भी जल्दी आएगी और ब्रीड भी गार जाएगी। चले, और ये कोई शिकार लड़ाई कहीं कोई इसका हिसाब किया कोई नहीं? बस गारी ठीक है, बोर्ड हो गया फिर। तो राखी कैसी करती है? मतलब बैंड है उस काम की तो ये समझो कि मास्टर है। अच्छा, इसके बहन भाई कोई है इसके अलावा? इसके अलावा हाँ, एक और इसकी बहन है, वो इससे भी समझो कि बहुत बहुत है। ठीक है, वो तो भाई इसका कोई नहीं बना इस तरह का कोई अभी? इसके भाई तीन थे, एक तो पहले मार गया था। अच्छा, एक उन्होंने दिया था एक दोस्त को, गाड़ी उसके ऊपर से गुजर के ओहो तो पिछला धड़ खत्म हो गया, वो मार गया। ठीक है, तीसरा जो है वो फुल तैयार हो के ना तो तीनों दफा जगुआर से की है? दो बार। और एक बार? एक बार रिकॉर्ड होता था वहां से। ठीक हो गया। तो मतलब फिर 50 ने बच्चे दिए? 50 ने अच्छी खासी ब्रीड, माशाल्लाह। फिर तो एंड हो गया। तो 50 का क्या चक्कर बना है वो भी तो लोगों को बताए ना। 50 फुल रेडी थी, फुल तैयार थी। ठीक है, बच्चे देने वाली थी? बच्चे देने के। नुकसान हुआ कैसे? सांप ने काटा था। ये सांप वाला बहुत, और उसका असल में इसका इलाज कोई नहीं है सांप का, डस का इलाज है, लेकिन बस रात को ठीक थी। अच्छा, सही। चल, अल्लाह पाक नसीब करे ये उसकी कमी पूरी कर देगी। वही ना, आप तो असल में व्यूवर्स, असल में ये भी कमज़ोर हुई हुई इसकी वीडियोस पुरानी हमारे चैनल पर पड़ी है, ज़रा वो आप देखिएगा कितनी हैवी कुत्ती है, मैं वो भी लगा दूंगा। तो अभी असल में इसकी ब्रीड लेनी है, इस वजह से कमज़ोर की हुई है। तो इंशाल्लाह जब इसने ब्रीड करनी है फिर लोगों को पता चलेगा कि ये कितनी इसकी आगे से ब्रीड कमाल की बननी है। जो कुत्ता डालना है वो भी उसमें भाई के हम आपको दिखाएंगे, वो भी बहुत हैंड कुत्ता है जिससे आगे भी इसने बच्चे दिए हैं। तो यही तो है गुलटनिया का करंट ही तो है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पर खैर करे। तो बाकी ब्लॉग्स में भी कोई ना कोई शाम भाई छुट्टी आते हैं ना। अभी खेलने के मूड में लगे अच्छा शाम भाई इसकी एक और है, इसकी दुम छोटी है मोटी है क्या? लोग है, लोग कहते हैं ये प्योरिटी में नहीं आती, दुम मोटी है इसकी? नहीं, इसके जिस्म के हिसाब से ठीक है, अभी तो ये फिलहाल कमजोर ज्यादा है, वरना आप चेक करें इसकी प्योरिटी। तो बताएं प्योरिटी बंदा कैसे चेक करे नए शौकीनों के लिए? प्योरिटी सबसे पहले प्योरिटी में आप डेर है तो उसका हेड देखो कितना है। ठीक है, ठीक है, उसके जिस्म के हिसाब से। ये नहीं मुंह बिल्कुल ऐसा हो, मादी हो, मादी का मुंह कम होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका आप चेक करो। ठीक है, ठीक है, इसके कितनी शेप होगी? ठीक है, उसके बाद इसके कान ठीक है, चेक करो। ठीक है, छोटे कानों में ये कान पे बाप लेगी ये ना? हाँ बाप। उसके बाद इसकी चमड़ी, ठीक है, टेर जो मेन है चमड़ी से, ये देखिए इसकी चमड़ी है। ठीक है, इसकी चमड़ी डल मडली ये। ठीक, ये प्योरिटी है। ठीक है, देख लो इसकी, ये इतनी बारीक चमड़ी में। ठीक है, ये इसकी चमड़ी है, जितनी उठाओ। ठीक हो गया, और इसको बर्दाश्त, इसको चमड़ी से पकड़ उठा भी लो एक हिसाब से। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा उसाम भाई ये भी बताएं कि ब्रीडिंग के स्टेज में करानी चाहिए? लोग कहते हैं फर्स्ट एड पे कुत्ती नहीं क्रॉस करानी चाहिए, क्या बात ठीक है? अगर ज्यादा आसानी से
अच्छा उसमें ये भी कहते हैं कि हाइट रुक जाती है कुत्ती की, तो मतलब अगर आपकी हाइट कुत्ती है कुछ रुकती है कुछ नहीं रुकती, ठीक है। इसकी तकरीबन 9 महीने की जिस वक्त ये क्रॉस करा दी उस वजह से इसकी हाइट थोड़ी सी कम हुई, वो ही ना रुक गई है, हालांकि इसकी मार्क थोड़ी सी मेरे ख्याल से इससे बड़ी थी, ठीक। ये भी तकरीबन इसकी होगी 22-23 इंच तो है ना, ये 22-23 है। ये देखा ये 50 की तरह कान करती है, मतलब जो इस तरह नहीं करती लेकिन वो बताती है थोड़ा सा माँ वाला फैक्टर। ये असल में अभी वो रिलैक्स होकर खड़ी हुई है, वही ना। तो माशाल्लाह से, माशाल्लाह का कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि शौक बड़ा है भाई का प्यारा। ओ चिक्की चले जी उसामा भाई को एंड पे हमें को आप कहें लोगों को अच्छा सा कोई अच्छा बिल्कुल पतली दुम वाले गुलटे आजकल सेल हो रहे हैं, क्या कहेंगे वो प्योर होते हैं? नहीं वो काठ ताजी में क्रॉस है, वो क्रॉसिंग में तुम देखिए आप इसका ये जो पॉइंट है इससे ऊपर होनी चाहिए, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। जितना बड़ा कुत्ता हो उसके उससे नीचे नहीं होनी, पॉइंट से ऊपर सही, ठीक है। उसके अलावा नॉर्मली इसकी छोटी दम हो असाम भाई, इसका कोई रेट रूट लगे नहीं? रेट नहीं, ठीक, बेचनी नहीं है तो फिर फिर भी लोग लगाते हैं ना, ठीक। रेट वाले किसी से ना बात की नहीं, जब पोस्ट अगर लगती है लोग जो कमेंट कर देते हैं भाई जान प्राइस इनबॉक्स में आ जाते हैं, इनबॉक्स में मेरे में भी आए हैं, नहीं किसी ने कुछ कहा हो मैं इतने देता हूं, मैं इतने देता हूं, इसके बारे में नहीं किसी ने नहीं कहा, चले किसी ने कुछ ही भी है तो उसको जवाब भी नहीं दिया कितने की, क्यों सेल करनी ही नहीं। हां बिल्कुल ऐसे ही है, हम तो शौकीन है, शौकीन बंदा कभी नहीं देता, शौकीन बंदा वही बात है ना, शौकीन बंदा शौक बढ़ाता है, देता नहीं है, ले लेगा देगा इस तरह नहीं पैसों की। मौसम भी अब थोड़ा सा बना, बारिश वाला गुलटे सर्दी के भी थोड़े से माड़े से होते हैं, कहते हैं लोग बड़े अग्रेसिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं है भी सही लेकिन नहीं, लेकिन नहीं जो लोग कहते हैं कि मालकों को पड़ जाते हैं उनके लिए ये मिसाल है। अभी उसाम भाई आप कितने टाइम बाद आए हैं इसके पास? मैं तकरीबन आया हूं कोई अभी 2-2.5 महीने बाद घर आया हूं छुट्टी, ठीक है। लेकिन ये देखिए इसको मालक की पहचान है, और दूसरी बात ये है कि नस्ल कोई भी हो जिस हिसाब से रखेंगे वो उस हिसाब से बनेगी, खेलती है बिल्कुल। अब ये मुझे नहीं जानती इसलिए मेरे अग्रेसिव हो रही है, जब मेरे साथ भी थोड़ी सी अटैच हो जाएगी तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। तो चलें उसाम भाई फिर सुबह ने